रोड डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और चीन तैयार हुए कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए। इजरायली कंपनी की दो नई असॉल्ट राइफल्स अब होगी भारत में मैन्युफैक्चर। इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद से हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर। एलओसी पर डिप्लॉय किया जा सकता है एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम। और इंडियन डिफेंस कंपनी तैयार है मेड इन इंडिया नाइट विजन डिवाइसेस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के लिए। शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत की गई है और इस बातचीत के दौरान एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों ने ट्रूप्स की कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए सहमति दी है और ये डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस टाइमली मैनर में पूरी की जाएगी। और मंत्रालय का कहना है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन पूरी तरीके से बहाल करने के लिए एलएसी के आसपास सैनिकों को पूरी तरीके से पीछे हटाने की बात कही है। और जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई अलग अलग फ्रिक्शन पॉइंट पर चीनी सेना के वापसी के बाद वहां की स्थिति की व्यापक समीक्षा भी की है। और इसी दौरान ये भी फैसला लिया गया है कि जल्द ही दोनों देशों के सीनियर कमांडर्स के बीच एक और मीटिंग आयोजित की जाएगी ताकि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और टाइमली मैनर में डिएस्केलेशन को सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदमों पर बातचीत की जा सके। और गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और फिंगर फोर्ट, ये चारों महत्वपूर्ण एरिया से डिसएंगेजमेंट को पूरी तरीके से किया जाएगा। और इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच किसी भी तरह की झड़प न हो तो इसके लिए यहाँ पे फिलहाल पेट्रोलिंग को रोका गया है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट का जो पहला फेज है वो लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि दोनों देशों के कोर कमांडर्स की अगली मीटिंग तक एलएसी पर स्टेटस क्यो यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी। और यहाँ पे इंडियन आर्मी फिंगर एरिया तक पीछे हट गई है तो वहीं चीनी सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 5 तक पीछे हट गई है। लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक फिंगर 4 की रिज लाइन पर अभी भी कुछ चीनी सैनिक कब्जा किए हुए हैं, लेकिन चीनी सेना ने फिंगर 4 से अपने कैंप को हटाकर फिंगर 5 पर पहुंचा दिया है। लेकिन फिलहाल अभी पेंगोंग पर कोई खास डिसएंगेजमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो गलवान और गोगरा की पोजीशन से वो फिर से रिस्टोर कर ली गई है और हॉट स्प्रिंग एरिया पर भी ट्रूप्स एक बड़ी तादाद में पीछे हुए हैं। लेकिन जब तक एक कोर कमांडर्स लेवल की अगली मीटिंग नहीं होती है तब तक इस हॉट स्प्रिंग एरिया पर दोनों पक्षों के करीब 50 सोल्जर्स रहेंगे। इसराइल वेपन इंडस्ट्रीज यानी कि IWI और इंडियन कंपनी PLR सिस्टम, इन दोनों कंपनीज की जॉइंट वेंचर इजरायली वेपन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। भारत और इसराइल की इस जॉइंट वेंचर कंपनी को 2017 में स्थापित किया गया था और जिसके तहत मध्य प्रदेश के मलनपुर में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया था। और ये जॉइंट वेंचर कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेज के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चर करती है। और वर्तमान समय में इस कंपनी में इसराइल की टैबोर 7.62x51mm की असॉल्ट राइफल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आई है कि इजरायली कंपनी द्वारा हाल ही के सालों में विकसित की गई दो नई असॉल्ट राइफल्स जिनके नाम है अरत और कार्मल, इन्हें भी भारत में ही जॉइंट वेंचर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने की योजना बनाई गई है। और जो ये अरत नाम की असॉल्ट राइफल है, इसे मुख्य रूप से इन्फेंट्री और स्पेशल यूनिट्स के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस असॉल्ट राइफल को दो अलग अलग कैलिबर की बुलेट्स को फायर करने के लिए बहुत तेजी से बदला जा सकता है, यानी कि यह असॉल्ट राइफल 5.56 और 300 BLK की बुलेट्स फायर कर सकती है। और वहीं जो कार्मल है वो एक मल्टीपर्पज मॉड्यूलर 5.56x45mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल है और ये अलग अलग कॉम्बेट जोन्स और एक्सटेंडेड कॉम्बेट ड्यूरेशन के बीच मैनेवर करने के लिए एक आइडियल वेपन है। और इजरायली कंपनी के अनुसार ये दोनों ही वेपन इंडियन प्लांट में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ टाइम्स नाउ के साथ इंटरव्यू के दौरान भारत डायनेमिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोमोडोर रिटायर्ड सिद्धार्थ मिश्रा ने डिफेंस सेक्टर को लेकर भारत सरकार की नई पॉलिसीज की सराहना की है और कहा है कि भारत सरकार की ये पॉलिसी मेजर सपोर्ट प्रदान करेगी। और मिसाइल सिस्टम को लेकर उनका ये कहना था कि भारत इस मामले में 4 सालों के अंदर आत्मनिर्भर बनेगा। और बता दें कि भारत डायनेमिक्स भारत की एकमात्र मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉर्पेडोज, अंडर वाटर वेपन्स और ऐसे ही अन्य मिसाइल सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी को अगले 4 से 5 सालों के अंदर करीब 2500 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। आज शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके खोसा में असम राइफल्स ने NSCN के 6 उग्रवादियों को ढेर किया है। और असम राइफल्स के इस ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकाने से एक बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। लेकिन इस दौरान असम राइफल्स के एक जवान के भी घायल होने की रिपोर्ट है, जिसे मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और बता दें कि इस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN ने कई बार इस इलाके में सेना और दूसरे सुरक्षा बलों पर घात लगाकर बड़े हमले भी किए हैं। और इस संगठन की चीन से
फाइनेंशियल मदद लेकर हथियार और ट्रेनिंग लेने की खबरें आती रहती हैं। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। बाकी इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर के नौगांव सेक्टर में LOC पर आतंकियों की घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम किया गया है और जिसमें इंडियन आर्मी द्वारा दो आतंकियों को मारे जाने की भी खबर है। और मारे गए आतंकियों से दो AK-47, एक पिस्टल मैगजीन के साथ एम्यूनिशन, 4 ग्रेनेड, मेडिकल सप्लाईज और कुछ पाकिस्तानी करेंसी और मेडिसिन बरामद हुई हैं। और पाकिस्तानी करेंसी ही नहीं बल्कि इनके पास इंडियन करेंसी भी बरामद हुई है, जिसकी टोटल कीमत करीब 1.48 लाख रुपए के आसपास है। और जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें से आधे मेड इन चाइना है और आधे मेड इन पाकिस्तान। और इसके साथ ही आज आर्मी की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि LOC के पार करीब 250 से 300 आतंकी मौजूद हैं, जो कि भारत में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं। और जबकि इंटेलिजेंस इनपुट्स ने भी चेतावनी जारी की है कि आतंकी नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में पुलवामा जैसे एक बड़े सुसाइड अटैक को अंजाम देने की योजना बना सकते हैं। और इसके बाद से नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ये हमला भी पुलवामा जैसा हमला ही हो सकता है। और इसी बीच आज बारामूला के DPS कॉलोनी से एक ऑल्टो कार के चोरी होने की भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद से अनुमान लगाया गया है कि कुछ विदेशी आतंकी इसी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं, जिस तरीके से 14 फरवरी को पुलवामा में किया गया था। इसरो अगले महीने अपने PSLV लॉन्च व्हीकल से ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और अमेजोनिया 1 ब्राजील की पहली ऐसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे ब्राजील में ही डिजाइन, असेंबल और टेस्ट किया गया है। और अगले महीने PSLV से ब्राजीलियन सैटेलाइट के लॉन्च को कंफर्म किया गया है, लेकिन ये किस डेट में किया जाएगा फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि शुक्रवार को पार्लियामेंट PAC ने इस बात का फैसला लिया है कि वे LEC पर बॉर्डर रोड्स के निर्माण कार्य और इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग की खरीद की समीक्षा करेंगे। और इसको लेकर शुक्रवार को एक मीटिंग भी आयोजित की गई थी। और जबकि इसी बीच रशिया ने भी रशिया, इंडिया, चाइना यानी कि RIC डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि इस मीटिंग पर फाइनल कंफर्मेशन आना बाकी है और इसके लिए फिलहाल कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है। और जबकि साउथ कोरिया की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बात का भी आग्रह किया गया है कि इंडियन आर्मी के लिए K-30 बीहो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की डील को फाइनलाइज करें, जिसे 2018 में इंडियन आर्मी द्वारा सिलेक्ट किया गया था, लेकिन ये डील अपने प्राइस निगोशिएशन और रशिया की तरफ से किए गए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन की वजह से फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई है। बाकी अगर आप इंडियन आर्मी के साथ इस K-30 बीहो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की डील के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमने दूसरे चैनल डिफेंस साइट पर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। LOC पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन्स की मदद से हथियारों की स्मगलिंग भारत में ना हो सके, इसको काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय कर सकती है। और जबकि LOC के कई अलग अलग सेक्टर्स पर पाकिस्तान की बैट टीम द्वारा भी हमले किए जाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। हालांकि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जबकि इसी बीच अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने बियॉन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चीन के साथ एस्केलेशन होने पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत को सपोर्ट करेगा। और उनका ये भी कहना था कि मुझे श्योर नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीमा संघर्ष के महत्व को कितना समझते हैं और मुझे नहीं लगता है कि वे भारत और चीन के बीच दशकों से झड़पों के इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं। और हो सकता है कि उन्हें इसकी जानकारी दी गई हो, लेकिन इतिहास वास्तव में उसके साथ नहीं है। क्या जॉन बोल्टन का ये कहना कितना सच साबित होगा, ये तो समय आने पर ही मालूम पड़ेगा। बाकी जॉन बोल्टन के इस बयान पर आपका क्या कहना है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ विवाद की स्थिति में अमेरिका भारत का साथ देगा या नहीं? और जबकि बुधवार को एक सीनियर चाइनीज डिप्लोमेट का ये बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि चाइना अमेरिका और रशिया के साथ ट्राइलेटरल आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल खुश है, लेकिन तभी जब अमेरिका अपने न्यूक्लियर एर्सनल को चाइना के न्यूक्लियर एर्सनल के लेवल तक आने के लिए कट करेगा। और इन सबके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि इंडियन डिफेंस कंपनी MQ लिमिटेड अपने भारत में बने नाइट विजन डिवाइसेज अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। और इस बात की जानकारी MQ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवीजन की वाइस प्रेसिडेंट मिस प्राची गुप्ता द्वारा दी गई है। और अब भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।